चार राउंड की बातचीत फेल, अब पांचवें राउंड की बातचीत की तैयारी। पहले किसानों ने पांच फसलों पर एमएसपी गारंटी का ऑफर माना, फिर एक दिन बाद ही पलट गए। अब 21 कठिन मांगे और 23 फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग। आखिर आंदोलनकारी किसान चाहते क्या हैं? क्या उन्हें कोई उकसा रहा है? क्या किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव से कोई कनेक्शन है? नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम किसान आंदोलन के बहाने पर्दे के पीछे से सियासी रोटियां सेक रहे नेताओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मांगे, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो एक बड़ा इशू है एमएसपी गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, और सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी पे अगर गारंटी नहीं मिलती तो किसान को नुकसान होगा, पूरे देश के किसान को नुकसान होगा। उस पर कानून बन जाए जो सरकार को खरीद करनी सरकार खरीद कर ले, लेकिन व्यापारी प्लेयर जो आ रहा है, प्राइवेट प्लेयर, वो सस्ते में खरीद ना करें। इसके लिए बड़े आंदोलन देश भर में चल रहे हैं और ये मूवमेंट और आगे बढ़ेगा। राकेश टिकैत के परिचय से आप मोहताज नहीं हैं। देश के बड़े किसान नेता रहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। इनके भाई नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में कभी इस संगठन की तूती बोलती थी, अब वैसा रुतबा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूनियन खुद को किसानों का सबसे बड़ा संगठन बताती है। राकेश टिकैत खुद को नेता कहलाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति का चस्का इन्हें भी है। खुद भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया। 2020-21 के किसान आंदोलन की तरह पंजाब के किसान नेता भी दावा कर रहे हैं कि ये उनका अपना आंदोलन है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इस आंदोलन में राजनीति के छींटे साफ दिखाई दे रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा और स्कैम गैर राजनीतिक का ये मोर्चा नामे दिन में दाखिल हो चुका है, और हमने जो प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, जो कोशिश की थी इस मोर्चे में शांति रहे और हमारे किसान मजदूर की जो सरकार है खून की प्यासी ना हो, हमें नहीं लगता हम उसमें सफल है। हम तो कहते हैं सरकार से, अगर हमें मार कर कुछ मिलना तो हमें मार लीजिए, लेकिन हमारे किसान और मजदूर के ऊपर जुल्म मत कीजिए। हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से, आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए, तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पीसफुली रखा जा सकता है, लोगों की जो भावना है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रीय अर्धसैनिक फोर्सों ने किया है, देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा। जिस तरह से हरियाणा के गांवों में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है और चप्पे चप्पे पे पैरामिलिट्री फोर्स गश्त कर रही है, तो हम कहते हैं हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में। सवाल ये है कि पंजाब के किसान अगर स्वतः स्फूर्त आंदोलन कर रहे हैं तो फिर ये आम चुनाव के वक्त ही क्यों शुरू हुआ? अब टाइमिंग को लेकर सवाल तो उठेंगे ही। किसानों और केंद्रीय कृषि मंत्री के बीच चार राउंड की बातचीत हुई। चौथे राउंड की बातचीत में पांच फसलों की एमएसपी पर लीगल गारंटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से आया, जिस पर किसान संगठनों ने रजामंदी जता दी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि किसान रातों रात इस समझौते से पलट गए और सभी 23 फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी की बात करने लगे। देश हमारे से बनता, हमने भी प्रधानमंत्री महोदय इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को वोटे दी होंगी, आपको प्रधानमंत्री बनाया होगा, और इस दिन की हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम हमारे ऊपर अब अर्धसैनिक फोर्स चढ़ाकर इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में कोई समस्या आ रही है तो कृपया इस देश के संविधान की रक्षा कीजिए, आप संविधान के मुखिया हैं, हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखना आने वाले समय में प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे में। आप सभी जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, इस देश में जितना ध्यान किसानों का रखा जाता है उतना शायद ही किसी दूसरे समुदाय का। किसानों के लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं, किसानों को तमाम तरह की सब्सिडी दी जाती है, कृषि राज्य का विषय है,
कई राज्य तो किसानों को मुफ्त बिजली पानी देते हैं। अब आंकड़े कहते हैं कि इस सब्सिडी का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद किसानों को मुफ्त बिजली और सिंचाई के लिए मुफ्त पानी दिया जा रहा है। ज्यादातर किसानों को अपनी कमाई पर टैक्स भी नहीं लगता है। इसके उलट नौकरी पेशा मिडिल क्लास से टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन उसे इसके बदले कहीं कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। तो फिर आखिर देश के अन्नदाता वक्त वक्त पर सरकार से क्यों लूट जाते हैं? इसके पीछे निश्चित तौर पर राजनीति है, और इस राजनीति को हवा देते हैं विपक्ष के नेता। बहुत दुख होता है कि किसानों ने एक बार फिर सड़कों पे उतरना पड़ा है। ते राज्य सरकार को भी मैं बेनती करांगी, भगवंत मान साहब नो, केजरीवाल नो, कि तुसी भी सरकार बनाने तो पहले पंजाबियों नाल वादा कीता सी कि केंद्र भावे MSP दे ना दे, तेई दी तेई फसलां दे उत्ते MSP सूबे दी सरकार दोगी। अज क्यों तुसी कल्ले केंद्र दे सामने गिड़गिड़ा रहे हो? जे केंद्र अपने किसानों नू हक नहीं दे रहे ते फिर सूबे दी सरकार दे थोड़ा। मैं बस यही कहूंगी, 2014 का किया वो वादा अब तक इंतजार कर रहा है कि उसको पूरा किया जाएगा। किसानों को लेकर, किसानों से विश्वास जीतकर, किसानों का वोट पाकर, जो किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है वो देश ने देखा है। पहले तो आपने उनके लिए 3 काले कानून लाए जिसका वो विरोध कर रहे थे, तो उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको एंटी नेशनल कहा गया। अब वो मांग कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कि हर क्रॉप पर होनी चाहिए, पर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उसको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, टेयर गैस छोड़ रहे हैं, बॉर्डर पर रोक रहे हैं। ये हमारे, मैं नहीं मानती हूँ ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको 4 स्तंभों में बताया हुआ है 2024 के चुनावों के लिए, और आप इस तरीके से उनके साथ बर्ताव करेंगे, ये दिखाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट केयर अबाउट द फार्मर्स जस्ट बाय गिविंग डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत रत्न डज नॉट मीन दैट they have solved the problems of the farmers. The farmers have welcomed the decision of the Bharat Ratna but are demanding that the recommendations of Dr. Swaminathan be implemented in letter and spirit. And the government has not even bothered talking to them. The Prime Minister has enough time to congratulate celebrities, to speak to celebrities. He has enough time for Mann Ki Baat but does not have the time to listen to Kisan Ki Baat. तो क्या मोदी सरकार से दूसरे मुद्दों पर लड़ने में नाकाम विपक्ष अब किसानों का सहारा ले रहा है? किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है विपक्ष? तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, MSP पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय, मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, हमारे यहां पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद MSP के अंतर्गत UPA के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की, मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ पे खर्च हुआ। यही नहीं, इनके समय बजट 27,662 करोड़ था, हमारे समय बजट 1,25,000 करोड़ एक साल का है, यानी कि 1,00,000 करोड़ रुपया एक साल का ज्यादा, 5 गुना ज्यादा बजट। ये अपने आप में दिखाता है कि हर क्षेत्र में, यहां तक कि खाद के ऊपर भी 3,00,000 करोड़ की सब्सिडी सालाना मोदी सरकार देती है, किसानों को ऊपर बोझ नहीं पड़ता और MSP के दाम भी बेहतर मिलते हैं, खरीद भी दुगनी से ज्यादा होती है। कुल मिलाकर किसान को संपन्न समृद्ध बनाने का काम मोदी सरकार की ओर से प्रयास हुए, और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमने ही सुनिश्चित किया। किसानों की मांगे कितनी जायज हैं या कितनी गैर जरूरी, इससे देश के खजाने पर कितना बोझ आएगा और इसका आखिर क्या समाधान है, इस पर तो एक्सपर्ट्स फैसला लेंगे, लेकिन कांग्रेस नेता इसे चुनावी मुद्दा बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। किसान आंदोलन शुरू होते ही राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस सत्ता में अगर आई तो किसानों को सभी फसलों पर MSP की लीगल गारंटी देगी। अरे भाई, इसके साथ ये भी बता देते कि इस पर कितना खर्च आएगा। एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि 4-5 लाख करोड़ रुपए सालाना, जो देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर देगा। आंदोलन कर रहे किसान और किसान नेता ये ठीक से समझ लें कि जो वो कह रहे हैं वही 100% सही नहीं है।
वही पूरे देश के किसानों की मंशा नहीं हो सकती। अगर किसी को सियासत करनी है तो खुलकर सियासत करे। राजनीतिक मांगों का क्या हश्र हुआ है ये किसानों ने 2020-21 के आंदोलन में देख लिया। 2020-21 के किसान आंदोलन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग हो रही थी। इसके अलावा किसान चाहते थे कि यूपी के लखीमपुर में किसानों को कुचलने के आरोपी के पिता अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाए, वरना हम चुनाव में इसका बदला लेंगे। 2021 में प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया और उसके बाद 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव हुए, जिस लखीमपुर में किसान अजय मिश्र टेनी और बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए थे, उस लखीमपुर जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। इससे संकेत साफ है कि किसानों को सियासी लामबंदी से दूर रहना चाहिए, वरना दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहलाने वाली बीजेपी ने भी किसानों के बड़े धड़े को अपने साथ जोड़ लिया है। किसानों की आय दुगनी करने और किसान सम्मान निधि जैसे तमाम योजनाएं चल रही हैं। किसानों को किसी के उकसावे में आना न उनके हित में है और न ही देश के। हम उम्मीद करेंगे कि किसानों और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध पांचवें दौर की बातचीत में जरूर खत्म हो जाएगा। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।